हेलो फ्रेंड्स, कुमार जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को रेडमी 9 एक्टिव में थीम चेंज करके दिखाऊंगा। तो थीम क्या होती है सबसे पहले समझ लीजिए। यहाँ पर थीम डायरेक्ट दिख रही है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर और यहाँ पर पूरे मोबाइल का फॉन्ट, वॉलपेपर सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। तो थीम क्या होती है, अभी जो वॉलपेपर वगैरह दिख रहा है और ये फ़ोन का स्टाइलिश डिज़ाइन जो है जो दिख रहा है, ये थीम होता है। तो इसको अगर चेंज करना है, आपको इस थीम से बोर हो गए हैं, आपको चलाते चलाते आपको नया कुछ चाहिए, क्रिएटिव चाहिए, तो आपको यहाँ से थीम में चले जाना है। और यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली यहाँ पर थीम जो है, यहाँ पर वॉलपेपर्स अलग अलग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो कोई चीज़ देखिए, ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन और ये है कुछ इस तरह का। और इसमें जब क्लिक करते हैं तो इसमें बताता है कि जो हमारे ऐप्स हैं उनका भी डिज़ाइन कैसा रहेगा। देखिए गैलरी कुछ इस तरह की होगी, प्ले स्टोर कुछ इस तरह का, MI पे कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। आपको इसे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोडिंग होने लगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड जैसे हो जाता है, इसकी साइज़ होती है अलग अलग। यहाँ पर देखिए इसको अप्लाई कर देना होता है, तो यहाँ पर देखिए गॉट इट कर देंगे। अभी अप्लाइंग होने लगा, जैसे अप्लाइंग हो जाएगा फोन ऑटोमेटिक कट जाएगा। देखिए थीम अप्लाइड हो गई। अब देखिए इसका कुछ डिज़ाइन, देखिए कुछ इस तरह का डिज़ाइन हो गया। अभी मैं आपको एक और लगा के दिखाता हूँ, वापस करने का भी तरीका दिखाऊंगा। मान लीजिए एक है, एक छोटा सा फूल वाला, बहुत हल्की है, बहुत देखिए काफ़ी यूनिक लग रहा है कुछ इस तरह से, ज़्यादा बड़कीला भी नहीं दिखेगा, इसको लगा सकते हैं। तो अभी डाउनलोडिंग होने लगेगा, तो आप देख सकते हैं हमारी जो कि थीम लगभग डाउनलोड होने वाली है। और इसकी साइज़ 10.9 MB है, तो इसको देख सकते हैं, ये इसका साइज़ है। इसको डाउनलोड होने के बाद अप्लाई कर देंगे तो हमारे फ़ोन में पूरा का पूरा यही जो थीम लग जाएगी। अभी देख सकते हैं इस तरह से रेड कलर का है, और इसको अप्लाई कर देते हैं। डाउनलोड हो गई है तो डाउनलोड अप्लाई कर देंगे। अब हमारी देखिए एक थीम अप्लाई हो चुकी है। अब देखिए कुछ हमारा इस तरह का प्ले स्टोर में देख सकते हैं, हर ऐप्स में अलग अलग कमल के फूल लगाए गए, क्योंकि ये लोटस थीम था। यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आती है कि अगर आपको अपना थीम वापस चाहिए, इन सब अलग से जितना लोड किए हैं सबको नहीं चाहिए, तो सिंपली आपको इसी थीम में जाना है और प्रोफाइल में जाना है। यहाँ पर थीम्स लिखा हुआ है अपना, यहाँ पर देखिए जो हमारा पर्स मेन था ये दिख रहा है, यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आपको सेटिंग से करना है, अगर आप ये वाला ऐप दिख नहीं रहा है सेट थीम, तो आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पर देखिए वॉलपेपर के नीचे थीम है, क्लिक करना है। वही हो जाएंगे प्रोफाइल पर, थीम पर जाएंगे, अपनी ID देखिए यहाँ पर देखिए, इन सबको हटाना चाहते हैं तो डिलीट कर दीजिए या फिर रहने दीजिए, सिर्फ इसी को लगाना है तो लगा सकते हैं। देखिए हमारा लग जाएगा कुछ इस तरह से, हमारा अप्लाई हो गया। देखिए अगर इसमें भी कंपनी की तरफ से जो है कि दो है ये वाला लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, जो कि MI की तरफ से आता है। बाकी जो हमने डाउनलोड किया था वो सब हमने ऑनलाइन अलग अलग कंपनियों का डाला था, अलग अलग डेवलपर्स ने बना के रखा हुआ था। तो चलिए हम दिखाते हैं, ये भी लग गया हमारा कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।